अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। हाउ इट वाज प्रूफ दैट द डीएनए एक्ट एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। तो इस केस में सबसे पहले जो है हमारे पास जो है वो वर्क सबसे पहले जिसका सामने आता है दैट वाज अ ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्ट। And Grift proved by the different experiments that DNA is the hereditary material. While he was working, he made some unexpected observations when he was working with the pathogenic bacteria. Actually, Grift जो था उसका काम जो था वो pathogenic bacteria पे था। अब pathogenic bacteria क्या होते हैं? वो वाले bacteria which are capable to cause the disease, जो कि डिजीज़ काज करते हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया यूटिलाइज़ किए और उस सबसे पहले उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने क्या किया कि ही इन्फेक्टेड अ माइस विद अ विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनियाई ये एक बैक्टीरिया का नाम है और विच काज द डिजीज इन द माइस। ही इन्फेक्ट एज ही यूज इन हिज एक्सपेरिमेंट द वरुलेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया सो दैट द माउस वॉज फाउंड टू बी द डेड। वरुलेंट स्ट्रेन यानी ऐसा बैक्टीरिया उसने यूटिलाइज किए थे, ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज काज करते हैं। तो ड्यू टू डिजीज द माइस वॉज dead. But in an other experiment when he infected the similar mice with a mutant strain of Streptococcus pneumoniae and this strain was lacking the polysaccharide coat. ठीक है, एक तो ये कि हमारे पास जो है ये एक mutant strain था, यानी mutant strain पहले experiment में उसने virulent strain utilize किया। वरुलेंट स्ट्रेन ऐसा स्ट्रेन जो डिजीज़ कॉज करता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने एक म्यूटेंट स्ट्रेन यूटिलाइज़ किया। म्यूटेंट स्ट्रेन विच वाज नॉट एबल टू कॉज द डिजीज़ तो सो दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट द माइस शोड नो इफेक्ट्स ऑफ इलनेस। क्योंकि ये एक म्यूटेंट स्ट्रेन यूटिलाइज हुआ था एंड दिस स्ट्रेन मोर ओवर लैक द विरुलेंट स्ट्रेन पॉलीसेक्राइड कोट। और दूसरी बात इसमें ये भी है इस स्ट्रेन में कि बैक्टीरिया के बाहर जो है एक कवरिंग होती है जिसको हम कोट या कैप्सूल का जो है कैप्सूल का नाम देते हैं। और विरुलेंट स्ट्रेन जो था उसमें उस बैक्टीरियल सेल के बाहर जो है वो कोट वॉज प्रेजेंट दैट वॉज मेड अप ऑफ द पॉलीसेक्राइड ऑफ द But in case of this mutant strain, the coat was absent, and the mice showed no effects of the illness. इस एक्सपेरिमेंट से ग्रिफ्ट ने जो था ये कंक्लूड किया कि कोट वॉज नेसेसरी फॉर द विरुलेंस। बैक्टीरियल सेल के बाहर जो है वो कवरिंग या कोट जिसको हम कैप्सूल भी कहते हैं that is made up of the polysaccharide, it was found to be the necessary for the virulence. इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि डिजीज़ कॉज करने के लिए नेसेसरी था कि उन बैक्टीरियल सेल के पास वो कवरिंग या वो पॉलीसेक्राइड का कोट जो है वो प्रेजेंट हो। तो सो दैट ही एक्सप्लेन्ड द टू फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया। उसने इस एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर डिस्कस किया कि देर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया, वन वाज नेम्ड एज द एस फॉर्म एंड द अदर वाज द आर फॉर्म। एस फॉर्म को क्यों एस कहते हैं? दे आर कॉल्ड द एस फॉर्म बिकॉज व्हेन दे आर ग्रोन ऑन द कल्चर मीडिया दे फॉर्म द स्मूथ कॉलोनीज। ठीक है, एस फॉर्म ऐसे बैक्टीरिया थे जिनको जब हम कल्चर मीडिया पर ग्रो करते हैं तो जब उनकी कॉलोनीज को ऑब्जर्व करें तो दे अपीयर टू बी द स्मूथ, उनकी अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। तो दीज बैक्टीरिया आर द पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया एंड दे आर कॉल्ड एज द एस फॉर्म।
दूसरी टाइप थी हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज द आर फॉर्म. दीज आर द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया विच लैक द पॉलीसेक्राइड कोट. यानी इनके पास जो है वो पॉलीसेक्राइड कोट नहीं प्रेजेंट होता. क्यों नहीं होता प्रेजेंट? क्योंकि इनके पास वो एंजाइम ही नहीं होता जो कि सिंथेसिस काज करता है इस कोट की फॉर्मेशन की. उनके पास एंजाइम नहीं होगा तो वो कवरिंग या कोट जो है पॉलीसेक्राइड का नहीं बनेगा. सो दैट दे आर विदाउट दिस पॉलीसेक्राइड कोट एंड दीज वर कॉल्ड एज द आर फॉर्म्स बिकॉज व्हेन दे आर ग्रोन ऑन द कल्चर मीडिया दे फॉर्म द कॉलोनीज विच अपीयर टू बी रफ. यानी ये बैक्टीरिया जब हम कल्चर मीडिया पे लेबॉरेटरी में ग्रो करें तो उनकी कॉलोनीज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उनकी अपीयरेंस जो है वो रफ होती है. एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हैं उनकी स्मूथ होती है. दोनों कॉलोनीज को इजीली हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया हैं और ये रफ़ टाइप के बैक्टीरिया हैं. यानी यहाँ तक ग्रिफ्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे दो, जिसमें उसने एक में विरुलेंट स्ट्रेन यूटिलाइज किया, दूसरे में उसने म्यूटेंट स्ट्रेन यूटिलाइज किया. विरुलेंट स्ट्रेन जब यूटिलाइज किया तो माउस वाज फाउंड टू बी डेड, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में माउस जो था वो उसमें कोई इलनेस जो है वो नहीं हुई थी. तो इसे उसने जो थी वो टू फॉर्म जो थी वो एक्सप्लेन की बैक्टीरिया की, एस फॉर्म एंड द आर फॉर्म. दो टाइप्स जो थी, एस फॉर्म जो थी इट वाज द पैथोजेनिक फॉर्म एंड इट फॉर्म द स्मूथ कॉलोनीज. आर फॉर्म जो थी ये एक म्यूटेंट फॉर्म थी, इट वाज विदाउट द पॉलीसेक्राइड कोट एंड इट फॉर्म द रफ कॉलोनीज एंड दीज डिड नॉट कॉज द डिजीज इन द माइस. और इससे जो थी वो डिजीज़ भी नहीं हुई थी माइस में. अब इसके बाद जो था उसने एक अदर नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट जो था वो उसने परफॉर्म किया. ग्रिफ्ट ने यही आर टाइप और एस टाइप के बैक्टीरिया को जो है वो यूटिलाइज करते हुए. नाउ वी कम टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रिफ्ट. सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? इन अदर एक्सपेरिमेंट्स ही दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म टू फाउंड द टॉक्सिसिटी ऑफ द पॉलीसेक्राइड कोट. ठीक है, इसमें उसने एक्चुअली चेक किया कि वो पॉलीसेक्राइड कोट जो है एक स्ट्रेन जो है उसमें प्रेजेंट है, दूसरा स्ट्रेन जो है उसमें एब्सेंट है, तो इसका जो है वो टॉक्सिसिटी पे क्या इफेक्ट है. इन दिस एक्सपेरिमेंट ही इंजेक्टेड डेड बैक्टीरिया उसने लिए ऑफ द विरुलेंट स्ट्रेन. यानी एस टाइप के उसने डेड बैक्टीरिया लिए एंड दे वर इंजेक्टेड इन टू द माइस रिमेंड परफेक्टली हेल्दी. तो माइस जो था वो परफेक्टली हेल्दी रहा. क्यों हेल्दी रहा? क्योंकि उसने स्ट्रेन जो था वो इंजेक्ट किया था, दो दैट इट वाज विरुलेंट स्ट्रेन बट इट वाज डेड. लेकिन वो उसने डेड विरुलेंट स्ट्रेन इंजेक्ट किया था सो दैट द माइस लिव्ड हेल्दी. देन ही परफॉर्म्ड एन अदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट. इसके बाद उसने एक और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जो था वो परफॉर्म किया, और उसमें उसने क्या किया? उसमें ग्रिफ्ट ने इंजेक्टेड माइस विद अ मिक्सचर. उसने एक मिक्सचर जो था वो बैक्टीरिया का प्रिपेयर किया और वो मिक्सचर इंजेक्ट किया. उस मिक्सचर में क्या था? उसमें एक तो एस टाइप के डेड बैक्टीरिया थे दैट वार विरुलेंट. ठीक है, विरुलेंट थे बट दे वार द डेड. एंड उसके साथ उसने मिक्स क्या किया? लाइव बैक्टीरिया विच वार ऑफ द आर टाइप, और आर टाइप के लाइव बैक्टीरिया, आर टाइप के लाइव बैक्टीरिया और डेड एस बैक्टीरिया, इनका मिक्सचर इंजेक्ट किया. एंड ईच ऑफ दीज टू बैक्टीरिया इटसेल्फ डिड नॉट हार्म द माइस. और इससे पहले वो देख चुका था कि ना तो वो डेड बैक्टीरिया जब उसने इंजेक्ट किए उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया था माइस को, और जब उसने आर बैक्टीरिया इंजेक्ट किए ना ही उन्होंने कोई इलनेस का इफेक्ट जो था वो शो किया था. लेकिन यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट थे दे वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड फॉर हिम. जैसे ये यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पे उसने ये लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्टेप्टोकोकस निमोनिया फर्स्ट में उसने ये इंजेक्ट किया. अब ये लाइव था और एस टाइप का था तो जारी बात है इसमें माइस जो था वो डाई कर गया. दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने लाइव लिया लेकिन नॉन पैथोजेनिक फॉर्म ली, यानी जो डिजीज़ नहीं कॉज कर सकती थी, तो
तो माइस जो था वो लिव्ड रहा, ये भी नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट भी वो सेम इसी तरह से ही, यहाँ पे उसने डायग्राम में दिखाया हुआ है ये वो वाले बैक्टीरिया हैं जिनके पास कोट प्रेजेंट है एंड दीज आर द कोटलेस बैक्टीरिया। और फिर उसने एक थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, इसमें उसने क्या किया कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी एस टाइप के बैक्टीरिया दिए, लेकिन उससे पहले उसने इंजेक्ट करने से पहले उनको किल कर दिया। कैसे किल किया? हीट ट्रीटमेंट दे के उनको किल किया। दो दैट दीज वर द पैथोजेनिक फॉर्म बट दीज वर द किल्ड बाय द हीट एंड दे वर हैविंग द कोट, और उनके पास वो कवरिंग या पॉलीसेक्राइड कोट जो था वो प्रेजेंट था। व्हेन इट वाज इंजेक्टेड माइस लिव्ड, तो यहाँ पे माइस जो था वो लिव्ड रहा। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो थे वो हीट किल्ड थे, डेड थे, तो इसलिए उन्होंने कोई इलनेस जो है वो कॉज नहीं की। ये उसका फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो कि उसने एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया, उसने मिक्सचर दो बैक्टीरिया का प्रिपेयर किया, एक में उसने एस टाइप के हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए और दूसरे में उसने आर टाइप के लाइव बैक्टीरिया लिए। अब इससे पहले वो दोनों को जो है देख चुका था कि ये दोनों टाइप्स के जो बैक्टीरिया थे उन्होंने माउस पे कोई इफेक्ट नहीं किया था पिछले एक्सपेरिमेंट्स में जब उसने अलग-अलग इनको इंजेक्ट किया, लेकिन जब इनका मिक्सचर प्रिपेयर करके उसने इंजेक्ट किया तो देन ही फाउंड दैट द माइस डाई। और इसके साथ साथ और भी एस्टोनिशिंग रिजल्ट उसके सामने आए व्हेन ही ऑब्जर्व द ब्लड ऑफ द डेड माइस। इस डेड माइस का ब्लड जो था इट वॉज observed and it was found that it was containing live virulent S type of bacteria, यानी इसके अंदर S type के bacteria present थे और वैसे भी वो live S type के bacteria present थे, जबकि उसने कोई भी live S type के bacteria inject नहीं किए थे। तो so that these results were quite unexpected, ये रिज़ल्ट जो थे वो बिल्कुल उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थे। तो इसकी अब रीज़न उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी कि इट वाज एक्सप्लेन्ड दैट द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीसेक्राइड कोट हैड बीन पास्ड फ्रॉम द डेड विरुलेंट बैक्टीरिया टू द लाइव आर बैक्टीरिया। ठीक है, यानी डेड जो एस टाइप के बैक्टीरिया थे वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो ट्रांसफ़र हुई। किन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुई? जो के आर बैक्टीरिया थे और वो लाइव थे। और उस ट्रांसफ़र ने फिर क्या कॉज किया? इट परमानेंटली ट्रांसफॉर्म द कोटलेस आर बैक्टीरिया इनटू द विरुलेंट एस टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो ट्रांसफ़र हुई डेड बैक्टीरिया से लाइव बैक्टीरिया में। एंड इट परमानेंटली ट्रांसफॉर्म द कोटलेस आर बैक्टीरिया इनटू द विरुलेंट एस बैक्टीरिया। तो ये वही विरुलेंट एस बैक्टीरिया थे जो कि अब ट्रांसफॉर्म हुए थे, और दीज वर फाउंड इन द ब्लड ऑफ द डेड माउस, और वो डेड माउस के ब्लड में ये बैक्टीरिया जो थे वो ऑब्जर्व किए गए थे। तो सो दैट this is the transfer of the genetic material from the one cell to the another and can alter the genetic makeup of the other cell, this is called as the transformation principle। ठीक है, इसी को ही हम transformation principle कहते हैं कि genetic material is transferred from the one cell to the other cell and can change the genetic makeup of the other cell, or in other words we can say that it can change the genetic makeup of the recipient cell, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो चेंज ये जाती है, और जो उस चेंज को जो है जेनेटिक मटीरियल को जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है, और जो इस जेनेटिक मटीरियल को रिसीव करता है तो उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो ऑल्टर हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इसी को ही हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो है ये इतना ही काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हमारा यही टॉपिक जो है वो चलेगा, जिसमें हम देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ये ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट जो था वो क्या था। अल्लाह हाफिज़।